इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के ऐसे 10 मशहूर शहरों की सैर करवाई जाएगी जो इंतहाई ठंडे हैं, जहां पर किसी दूसरे गर्म इलाके से आए इंसान की कुल्फी बन जाती है। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 10वें नंबर पर नाम मरी का आता है। मरी सूबा पंजाब के ज़िला रावलपिंडी में वाक़ है। मरी का शुमार उन इलाकों में होता है जो सियाहत का मरकज़ है। मरी जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब होने की वजह से सियाहत का अहम मरकज़ है। मरी में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। -11 डिग्री सेंटीग्रेड में इंसान का खून भी जमने को आता है। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 9वें नंबर पर नाम बार खान का आता है, जो सूबा बलोचिस्तान में जनूबी पंजाब के करीब वाक़ है। 30 दिसंबर 1977 को बार खान में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था, जो कि इंतहाई शदीद होता है। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 8वें नंबर पर नाम दलबदीन का आता है, जो सूबा बलोचिस्तान के जिला चागी में अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। ये सहराई इलाका है, आस पास छोटे छोटे पहाड़ हैं। 30 दिसंबर 1997 को चागी के शहर दलबदीन में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 7वें नंबर पर नाम चित्राल का आता है, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। 11 जनवरी 1987 को चित्राल की सरजमीन पर दर्जा हरारत 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था, जो कि बहुत ज्यादा होता है, खून जमने को आता है। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर नाम गिलगित का आता है। गिलगित बल्दिस्तान का दारुल हुकूमत है और ठंडा तरीन शहर है। 5 फरवरी 1984 को गिलगित बल्दिस्तान की सरजमीन पर दर्जा हरारत -13.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। गिलगित अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 5वें नंबर पर नाम दीर का आता है। दीर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। दीर का शुमार ठंडे तरीन इलाकों में होता है। 90 की दहाई में 5 फरवरी 1984 एक ऐसी तारीख आई थी जब दीर की सरजमीन पर दर्जा हरारत तकरीबन -13.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 4थे नंबर पर नाम कलात का आता है। कलात सूबा बलोचिस्तान में वाक़ है। 80 की दहाई में 20 जनवरी 1978 एक ऐसी तारीख आई थी जब कलात की सरजमीन पर दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। नंबर 3, नारान। नारान का शुमार पाकिस्तान के उन खूबसूरत इलाकों में होता है जिनमें लोग अक्सर सियाहत का रुख करते हैं। नारान अपर कागान वैली का एक कस्बा है जो इंतहाई खूबसूरत है और ठंडा है। नारान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -18.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। नारान अपर कागान वैली खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। पाकिस्तान के 10 ठंडे तरीन शहरों में 2रे नंबर पर नाम कोयटा का आता है। कोयटा का शुमार ठंडे तरीन इलाकों में होता है। कोयटा में खासकर सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है। कोयटा के साथ सिब्बी है, जो पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है, जिसका शुमार पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में होता है। और कुछ ही फासले के ऊपर कोयटा आता है, जो पाकिस्तान का ठंडा तरीन इलाका है, जिसका शुमार पाकिस्तान के ठंडे तरीन इलाकों में होता है। कोयटा में इतनी सर्दी पड़ती है कि इंसान का खून जमने को आता है। पहाड़ बर्फ में लिपट जाते हैं, हर तरफ सफेदी नजर आती है। कोयटा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है। 8 जनवरी 1970 एक ऐसा दिन आया था जब कोयटा की सरजमीन पर दर्जा हरारत तकरीबन -18.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। पाकिस्तान के ठंडे तरीन शहरों में 1ले नंबर पर नाम स्कर्दू का आता है। 90 की दहाई में 7 जनवरी 1995 एक ऐसी तारीख आई थी जब स्कर्दू की सरजमीन पर दर्जा हरारत -24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। स्कर्दू गिलगित बल्दिस्तान का शहर है और अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।